परासिया में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने दिवाली के मौके पर कोरोना महामारी के चलते अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। भाजपा प्रदेश युवा मोर्चा पदाधिकारी सौरभ बाबरिया ने परासिया विधानसभा में कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले परिवार के लोगों से मुलाकात की। सौरभ बाबरिया का कहना है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र परासिया में कोरोना के कारण कई परिवार में मृत्यु हुई थी, यह अत्यंत दुख एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवारजनों के साथ हैं। सौरभ ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ वे हमेशा खड़े रहेंगे। पर्व में परासिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष दीपावली में माँ भगवती से मेरी यही निवेदन है कि दीपावली के पर्व में कोरोना ऐसी महाबीमारी जो हमारे यहाँ संकट में है, ये सबसे पहले दूर हो। और इसी संकट को देखते हुए पहले से भी और अभी भी परासिया क्षेत्र विधानसभा हमारे परिवार की तरह है। आज दीपावली का पर्व ज़रूर है, परंतु कोरोना जैसी महाबीमारी के बीच में हमारे कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ मृत्यु हो गई है। ऐसे 12 परिवार के यहाँ मृत्यु हुई थी, तो उन सभी परिवार के यहाँ मेरा बैठना हुआ है। उनमें से कुछ परिवार चूँकि बाहर के कहीं के रहने वाले थे तो वो बाहर चले गए थे, तो फ़ोन के द्वारा मेरी बातचीत हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।